आज भारत पहले ही दुनिया भर में मेडिकल एक्सपोर्ट से अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा चुका है और दुनिया भारत को चीन के मुकाबले एक बेहतर पार्टनर मानती है। और देखा जाए दक्षिण एशिया में भारत पहले से ही कई देशों की मदद कर रहा है, लेकिन अब वहीं चाइना को लेकर अफ्रीका में गुस्सा सातवें आसमान पर है। और हाल ही में कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि अफ्रीका के लोगों को चाइना में पीटा जा रहा है और उनको कोरोना फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। और इसके बाद से केन्या, गिनी और तंजानिया जैसे देशों ने खुलकर चाइना के विरोध बोला है। और अब ऐसे में भारत ने अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक सुनहरा मौका ढूंढा है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरा दिन अफ्रीका के कई नेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। और पिछले एक हफ्ते से अफ्रीका से चाइना के विरोध कई खबरें देखने को मिल रही थी और ऐसे समय में भारत के विदेश मंत्री का इन देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बढ़ाना दिखाता है कि भारत अफ्रीका में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और अभी हाल ही के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति ने पिछली सरकार के समय चाइना के साथ फाइनल किए गए $10 बिलियन के एक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। और साथ ही तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा, इस प्रोजेक्ट की शर्तें इतनी बकवास थी कि कोई पागल व्यक्ति ही इन शर्तों को मान सकता था और इससे अफ्रीका में चाइना के BRI प्रोजेक्ट को एक गहरा धक्का पहुंच सकता है। और इसके अलावा अफ्रीकी जैसे देशों के गिनी और केन्या से भी चीन के कड़े विरोध की खबरें आ चुकी है। और गिनी ने हाल ही में अपने यहाँ मौजूद कई चीनी नागरिकों को बंदी बना लिया था क्योंकि चाइना से लगातार अफ्रीकी लोगों के पीटे जाने की खबर सोशल मीडिया पे आ रही थी। और चाइना के इस भारी विरोध के बीच भारत का एकदम अफ्रीका के साथ बातचीत बढ़ाना चाइना की रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि भारत पहले ही मेडिकल एक्सपोर्ट के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर को काफी ज्यादा बढ़ा चुका है और दुनिया भारत को चीन के मुकाबले एक बेहतर पार्टनर मानती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।